हेलो बच्चों, मैं सुनीता बैरवा नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ और क्लास फिफ्थ की हिंदी का पाठ 9, जिसका नाम है सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है बच्चों अच्छा व्यवहार करना। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ पढ़ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, मतलब मनुष्य समाज में रहता है और कई काम करता है। परंतु समाज के कुछ नियम हैं, यानी कि जब समाज में रहने वाला प्राणी है मनुष्य, और उसमें मतलब बहुत सारे नियम हैं हमारे समाज में रहने के। नियमों के अनुकूल यानी नियमों के अनुसार किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। अर्थात जिन कामों को हम नियमों के अनुसार करते हैं और समाज के अनुकूल करते हैं, उन्हें ही सदाचार कहते हैं। जैसे गुरुजनों का आदर करना, यानी कि जो शिक्षकों का और जो हमारे गुरुजन होते हैं उनका आदर करना। सत्य बोलना, यानी कि हमेशा सच बोलना। सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना इत्यादि। किसी को कष्ट न पहुंचाना, यानी कि किसी को कोई दुख या हानि नहीं पहुंचाना, किसी को हाँ मतलब किसी को कोई चोट ना पहुंचाना। मधुर वचन बोलना, यानी कि सबसे मीठी बात मीठी भाषा बोलना, किसी से कटु शब्द ना बोलना, हमेशा सबसे प्यार से बोलना, किसी पर क्रोधित ना होना। विनम्र रहना, मतलब सबसे विनम्रता से पेश आना। बड़ों का आदर करना, यानी कि अपने से जो सब बड़े होते हैं उनसे तुम लगाकर नहीं आप लगाकर बात करना, उनको आदर सम्मान देना। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं, यानी कि ये जो सारे गुण हैं, बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा देना, ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। यानी कि जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे वह एक उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति होगा। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी व्यक्ति कहलाता है। मतलब जिस व्यक्ति में ये सारे गुण होंगे वह सदाचारी व्यक्ति होगा। सदाचारी यानी कि अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति होगा, कि जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता होगा, किसी के साथ गलत नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, हमेशा सबके साथ प्यार से पेश आता है, कभी किसी पर क्रोधित नहीं होता, वह सदाचारी व्यक्ति यानी कि अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अर्थात जो सदाचार जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, यानी कि दो शब्दों को जोड़कर यह बनाया गया है। सत प्लस आचार, यानी कि सत का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार, यानी कि अच्छा उत्तम व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो अच्छा व्यवहार करता है उसके व्यवहार से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है और किस प्रकार की इसकी व्यवहार है और कौन कौन से इसमें गुण हैं। जो व्यक्ति सब पे क्रोधित होते हैं या सब पे गुस्सा करते हैं, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता और उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, लेकिन जो अच्छे या सदाचारी व्यक्ति यानी अच्छे व्यवहार वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी उनसे बातचीत करते हैं और वह सदाचारी व्यक्ति भी सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आता है। और अगर कोई गलत व्यक्ति भी है तो उसे मधुर भाषा बोलकर या मीठी भाषा में उसे समझाता भी है, उसके साथ प्यार से पेश आता है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। सदाचारी यानी अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति बनने के लिए हमें ईमानदार होना आवश्यक है, यानी सभी के प्रति हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए। उसके प्रति ईमानदार होना मतलब सभी व्यक्तियों के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है, यानी कि जो व्यक्ति जो होता है वो अपने प्रति ईमानदार होता है, वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। यानी अर्थात जो व्यक्ति सबके अपने प्रति यानी जो अपने प्रति ईमानदार होगा वो अपनी गलतियां स्वीकार करता होगा या अपनी गलतियों को भी स्वीकारता होगा, अपनी बुराइयों को मान लेता होगा, किसी से विरोधाभास नहीं करता या किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, वह व्यक्ति सबके साथ ही ऐसा करेगा और वह सबके प्रति ईमानदारी बरतेगा, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की। यानी या तो किसी सेवा की बात हो या फिर किसी कर्तव्य या किसी जिम्मेदारी की बात हो, चाहे से धन की बात हो या कमाई की, चाहे से धन की बात हो या कमाई करने की, लेने की बात हो या देने की,
सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है, यानी जो सदाचारी व्यक्ति है अगर वह खुद के प्रति यानी कि स्वयं के प्रति वह ईमानदार रहेगा, अपनी गलतियों को बुराइयों को स्वीकार करना सीख लेगा, वह हमेशा दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहेगा और वह हमेशा सदाचारी रहेगा। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, और जो ईमानदारी व्यक्ति होता है ईमानदार जो व्यक्ति होता है अगर उसकी ईमानदारी है तो वह गरीब होते हुए भी धनी होता है, यानी कि चाहे से वह कितना भी गरीब हो, उसके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, फिर भी वह धनी होता है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल स्वच्छ होता है, उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती कि उसने कुछ गलत किया है या किसी को बुरा किया है किसी के साथ या किसी को दुख पहुंचा है, इस बात की उसे चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है, क्योंकि उसके पास चाहे से धन ना हो चाहे से वह गरीब हो लेकिन उसके व्यवहार से यानी उसने जो सबके साथ ईमानदारी की है लोग उसका सम्मान करेंगे, उसे इज्जत देंगे और उसकी मतलब उसे आनंद मिलेगा, उस जो इज्जत उसे मिलेगी उससे उसे बहुत खुशी मिलेगी, जिससे वो प्रसन्न रहेगा और प्रसन्न रहेगा, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों अच्छी रहेगी और उसके मन को बहुत शांति मिलेगी। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, और जो बेईमान व्यक्ति होते हैं यानी कि जो सबके साथ गलत करते हैं या किसी को झूठ बोल देते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके पास धन तो हो सकता है यानी कि उनके पास पैसा तो बहुत हो सकता है, वह धनी हो सकते हैं लेकिन फिर भी वह उन्हें यानी उन्हें सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कि मैं चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, और लोग अगर डर के मारे या उसके पैसे के धौंस के साथ धौंस के वजह से उसकी इज्जत करेंगे तो उसके पीछे से उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो उसे कभी सम्मान प्राप्त नहीं होगा यानी लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे और उसे कभी प्रसन्नता आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि वह कभी भी अपने मन से खुश नहीं रह पाएगा, उसके मन में या उसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया है या किसी को धोखा दिया है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है यानी कि जो अच्छे व्यवहार वाला जो व्यक्ति होता है वह अनुशासित यानी वह हमेशा अनुशासन में रहता है, संयमी भी होता है यानी कि उसमें हमेशा संयम होता है, उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, वो कभी भी किसी काम में लापरवाही नहीं बरतता है, किसी भी काम को करने में लाल मतलब आलस नहीं करता, उसे किसी भी चीज की लालच नहीं होती। इन गुणों को उसके बोल चाल कार्य व्यवहार खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है, यानी जो यानी कि बच्चों जो है ना सदाचारी व्यक्ति होता है अच्छे व्यवहार वाला जो व्यक्ति होता है उसके गुणों को हम कहाँ देखते हैं, बोलचाल में, जो हमसे वो बात करता है तो उसके बात करने के तरीके से वो हमें आदर सम्मान देकर अगर बात करता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये सदाचारी यानी अच्छे व्यवहार वाला अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति है। उसकी कार्य व्यवहार यानी वो किस प्रकार कार्य करता है, किसी काम को जल्दीबाजी से करता है या संयम रखकर करता है तो हम इसे पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति सदाचारी है। खान पान में किस तरीके का खाना खाता है, किस तरीके से खाता है, आराम से बैठकर खाता है तो हमें उसे पता चल जाएगा। रहन सहन आदि में भी देखा जा सकता है, हम उसके रहन सहन से भी पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति सदाचारी है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है, और जो सदाचारी व्यक्ति होता है वह हमेशा अनुशासित यानी अनुशासन में रहता है, वह कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, और वह हमेशा अपने व्यवहार से ही लोगों को परिचय देता है कि मैं सदाचारी हूँ या मैं अच्छा हूँ या मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, तो लोग उसके व्यवहार से ही उसे पहचानते हैं। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, यानी कि बच्चों सच बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, सच बोलने में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे सामने जब हम सच बोलेंगे तो हमारे सामने कई सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिससे कि हम बहुत परेशान हो जाएंगे या अखंड, इसलिए लेखक ने कहा है कि सत्य जो है वो अखंड तपस्या, यानी कि सत्य बोलने के लिए सच बोलने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर झूठ बोलेंगे तो लोग आसानी से मतलब झूठ बोल सकते हैं या फिर गलत काम करने में हमेशा कभी भी समय नहीं लगता, लेकिन सच बोलने में ईमानदारी में और अच्छे काम करने में हमेशा समय लगता है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता और झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि हमें एक झूठ को छुपाने के लिए हमेशा 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ बोलने से कोई हमारी
इज्जत नहीं करेगा, कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा, हमें समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, लोग हमारे मतलब लोगों को हमारी कदर नहीं होगी, या लोग हमें बुरा व्यक्ति या बुरा व्यवहार वाला व्यक्ति भी कहने लगेंगे। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अपने दिल में ही व्रत ले लेते हैं, एक संकल्प ले लेते हैं, कसम ले लेते हैं कि हम सच बोलेंगे, वह सदाचारी होता है और वही व्यक्ति सदाचारी होता है। बच्चों, सच बोलने के लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूँ या मेरा व्यवहार ऐसा है, हमें साबित करने की जरूरत नहीं होती। मतलब हम अपने दिल में ही ये संकल्प ले लें कि मैं हमेशा सच बोलूँगा, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, हमेशा सबके साथ मीठी भाषा में बात करूँगा, किसी पर बिना मतलब के क्रोधित नहीं होऊंगा, सबके साथ ईमानदारी से व्यवहार करूँगा और अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का प्रयोग नहीं करूँगा या किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तो ये सब हमारे क्या है, सदाचार के गुण हैं, यानी कि अच्छे व्यवहार के हमारे गुण हैं। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। और जो व्यक्ति अपने दिल में संकल्प ले लेता है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, कभी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, तो वह किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बोल देते हैं वो कभी कर नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपने मन में ही ये संकल्प ले लें, अपने मन में ही ये कसम ले लें कि हम सच बोलेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, या फिर अपने मन मन में सबको सच बोलने का प्रयास करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति जिसने मन ही में मतलब दिल में कसम ली है, अपने मन ही मन में कसम ले ली है सच बोलने की, वह हमेशा सच बोलेगा। और जो व्यक्ति जिसने पूरे देश में सबको बोल दिया, मतलब सब लोगों को गांव में बोल दिया, एक दूसरे को बोलता फिरता है कि मैं सच बोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो कभी भी इस कसम का या इस संकल्प का पालन नहीं कर सकता। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी रहता है प्रसन्न रहता है। सदाचारी व्यक्ति यानी अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति जहाँ भी रहता है वह हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वह ना बेईमानी करता है किसी से, ना किसी को कष्ट पहुँचाता है, वह सबको खुद को भी अच्छा मानता है और सभी को उसी भावना से देखता है। और जब बच्चों अपन सही होते तो सब अपन को अच्छे ही नजर आते हैं, तो वह बहुत खुश रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। और बच्चों जो उसके पास में रहते हैं उनको भी वह प्रसन्नता यानी खुशी देता है, क्योंकि वह अच्छे व्यवहार करता है, तो सब लोगों को खुशी होती है, लोग उसे भी इज्जत देते हैं, वह भी इज्जत से बात करता है लोगों के साथ, वह सबसे प्यार से बात करता है तो लोग उससे भी प्यार से बात करते हैं, इज्जत सम्मान देते हैं, तो वह भी सबको भी खुशी देता है और खुद भी खुशी रहता है। कौन? सदाचारी व्यक्ति, यानी कि अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। और जो बच्चों सदाचारी व्यक्ति होता है उसमें सद्गुण यानी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण और सद्व्यवहार यानी अच्छे अच्छे व्यवहारों का उसमें बहुत सारा भंडार होता है, यानी उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे गुण होते हैं, वो सबके साथ इतना अच्छा अच्छा व्यवहार करता है, तो वो जो व्यवहार है वो उसकी आदत बन चुका होता है। तो अगर किसी से गलती हो जाती है तो भी वह उसे प्यार से समझाता है, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करता। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। और अगर जैसे कोई व्यक्ति होता है वो उसकी झूठी तारीफ कर दे तो वह उससे प्रभावित नहीं होता, यानी जो सदाचारी व्यक्ति है उसकी कोई झूठी तारीफ भी कर दे तो उससे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह हमेशा निर्भय यानी निडर होता है और वह मतलब डरता नहीं है किसी से भी, क्योंकि उसने झूठ ही नहीं बोला है। जब वो सबसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा है, तो उसे डर किस बात का फिर, तो वह हमेशा निर्भय यानी डर बिना डर के रहता है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है। विपत्ति यानी कि समस्याएं, प्रतिकूल यानी कि सुख दुख, बच्चों आते रहते हैं, जैसे आज खुशी आए हमारे जीवन में तो हो सकता है कि दुख भी आए, तो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह प्राय मतलब हमेशा सभी के जीवन में आती है। जो हमारे जीवन में आती है, जो समस्याएं आती है, वह उनका भी डटकर सामना करते हैं और अपने आप में संयमी बने रहते हैं, यानी उनमें क्षमता होती है दुखों को भी बर्दाश्त करने की। किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होते। और जो सदाचारी व्यक्ति यानी अच्छे व्यवहार वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समस्याओं से या मुश्किलों से या दुखों से कभी विचलित नहीं होते, यानी उनसे कभी डरते नहीं हैं, उनसे कभी परेशान नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, और जो सदाचारी जैसे व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं, कितनी ही विपदाएं आ जाए, तो भी उनका मुकाबला करने की क्षमता रखता है, तो भी वे उनका मुकाबला करता है। यानी जो अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं, सदाचारी व्यक्ति, वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में मुकाबले मतलब समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा मतलब जो समस्याएं, जो मुश्किलें होती हैं उनसे घबराते नहीं हैं।
उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। और जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसमें असीम यानी बहुत सारे धैर्य मतलब संयम रखता है, वह हमेशा उसमें धैर्य होता है और वह सहन शक्ति यानी उसमें बहुत सारी सहन शक्ति होती है, यानी वो किसी की कटु बातों को भी सह सकता है, बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उसमें गुण होते हैं, यानी सदाचारी व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, मतलब बच्चों दूसरों पर उपकार करना उसका स्वभाव होता है। वो कभी भी एहसान ये नहीं जताता कि मैंने तुम्हारा ये भला किया है या मैंने तुम्हारी मुसीबत में मदद की है। जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वो कभी ये नहीं जताते, बस उनका स्वभाव ऐसा होता है, लोगों की मदद हमेशा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है, और जो सदाचारी व्यक्ति होता है वह अपने कार्यों से मतलब वह अपने कामों से सब हमेशा दूसरों का भला करता है, मतलब वह अपना काम भी करेगा और वह दूसरों का भी भला करेगा, वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। लोग उस पर विश्वास करते हैं, और जो सदाचारी व्यक्ति होता है जो हमेशा सच बोलता है, ईमानदार होता है, उस पर लोग हमेशा विश्वास करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है, यानी कि जैसे कोई सी भी जगह हो जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसकी हमेशा सभी जगह उसको सम्मान दिया जाता है, कभी भी उसकी कोई भी मतलब उसकी अपमानित नहीं करता, उसको हमेशा उसको सम्मान देता है, उसका आदर करता है। सदाचार सफलता का मार्ग है, यानी जो अच्छा व्यवहार है वो हमेशा सफलता का मार्ग है, जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है, यानी कि जो व्यक्ति को अपने उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचा देता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं, यानी अच्छे व्यवहार के कारण अगर कोई काम कठिन काम भी होता है तो उसे हमारे व्यवहार के कारण लोग मतलब हमारी मदद कर देते हैं, वो भी सहजता से बन जाता है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है, और मनुष्य मतलब हम लोग अपनी अच्छी से अच्छी यानी बड़ी से बड़ी शक्ति को भी प्रकट कर सकते हैं, यानी कि व्यक्त कर सकते हैं। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में भी जाना जाता है, वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, यानी कि हम जो महापुरुष अच्छे बोलने वाले अच्छे लोग होते हैं उन्हें अपना गुरु बनाते हैं, और यह हमारे आदर्श के रूप में हम पूछते हैं। उनका सदव्यवहार अनुकरणीय होता है, हमें परस्पर सदव्यवहार करना चाहिए, यानी कि हमेशा हमें आपस में हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सदव्यवहार ही वास्तव में सदाचार होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ाया पाठ सदाचार यानी कि अच्छा व्यवहार। बच्चों अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। सदाचार अच्छा व्यवहार नैतिक आचरण, संयम नियंत्रण, सदगुण अच्छा गुण, विचरण घूमना फिरना, विपत्ति संकट। तो बच्चों आज हमने पढ़ा पाठ सदाचार, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही हमारी पूंजी है, हमारे गुण है, और इन्हीं के अनुसार हम हमेशा सफल हो सकते हैं। बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।